शरीर में जो आलस्य होते हैं उसको आलस्य बोलते हैं, मन का आलस्य को बोलते हैं प्रमाद। मन कहीं लगे नहीं और जो करना वो ना करे, गलत करने लगे, इसको प्रमाद बोलते हो। या आलस्य और प्रमाद से बाहर आना तो प्रयत्न करना पड़ेगा इसके लिए। अब तुम बोलोगे अरे प्रयत्न करने के लिए भी आलस्य है गुरुदेव। तुम्हारे चारों ओर के लोगों को बता दो कि जो भी मैं मांगता हूँ जल्दी देना नहीं, तो तब देखना तुम्हारा आलस्य कैसे दूर हो जाता है। तुम्हें चाय चाहिए तो तुम्हारे मम्मी को बोल देना या घरवाली को बोल देना कि देखो मैं चाय मांगता हूँ, 10 बार मांगता हूँ तो भी नहीं देना। सुबह का चाय 10 बजे देना और सुबह का नाश्ता मेरे को 3 बजे खिलाना। जब हमारा अपना काम हो तो हम चाहते हर एक उसको समय पर दे। लोग समय पर भोजन बनाए हमारे लिए, हमारा ड्राइवर हो तो हमको समय पर हमको रिपोर्ट करें, हमको ले जाए। हर आदमी अपना मुताबिक चले, हमारा सौकर्य को बनाए रखें, हमको आराम दे। और हम जब अपना जिम्मेदारी निभाने आते तो अरे देखो कल करेंगे परसों करेंगे देख लेंगे, इस तरह की एटीट्यूड से चलेगा नहीं। आलस्य से बाहर आने का यही है, उपवास करो। 2 दिन खाने में भी आलस्य कर लो, देखो क्या होता है। पित्त बढ़ेगा तो तड़पने लगोगे, छटपटाने लगोगे, फिर सोना भी नहीं मिलेगा, नींद ही नहीं आएगी। जब नींद नहीं आएगी तो उठ खड़े होकर के कुछ तो करोगे। आलस्य दूर होने के लिए उपवास करो, भूखे रहो, देखो 1 दिन कैसे तुम्हारा आलस्य छूट जाता है। शरीर में शुद्धि होते ही शक्ति आने लगती है। तमोगुण से निवृत्त होने के लिए हमें ये सब कुछ करना, व्यायाम करो नहीं तो, उपवास करना नहीं तो व्यायाम करो, दौड़ो, दौड़ लगाओ, 5 किलोमीटर चल के आओ, शरीर में जो सुस्ती है ना वो दूर हो जाता है, चुस्त हो जाता है।